1, 2, 3. So hey guys, this is Abhishek here and you are watching Tech News. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यार 888, 8 Gen 1 एंड 8 Gen 3 तीनों गेमिंग स्मार्टफोन्स लाइक ये नहीं है पर वी आर कंसिडरिंग बिकॉज इसमें है 8 Gen 1 और 90 FPS. That's why we have included this. और ये भी देख रहा था कि क्या सैमसंग वाकई में चिपसेट्स को डाउनग्रेड करता है अपने स्मार्टफोन में. लाइक दिस इज 888 और ये 8 Gen 1 है. सो ऑब्वियसली ये इससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए. सो ये वीडियो में समझ जाएगा. और ये है जी हाँ, ये द बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन ऑफ लाइक यू कैन से 2023 का. बहुत फास्ट स्मार्टफोन है, 8 Gen 3 आता है इसके अंदर. गेमिंग इज अल्टीमेट इन दिस स्मार्टफोन. सो देखेंगे कि ये इन दोनों के कितने आगे है और ये इन दोनों के सॉरी इसके कितने पीछे है. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम विल स्टार्ट द वीडियो. परफॉर्मेंस को और अच्छा इनहेंस करने के लिए तीनों ही स्मार्टफोन्स में एक मोड मिलता है. आईक्यू में वो मॉन्स्टर मोड्स के नाम से जाना जाता है. तो ये आप ऑन कर सकते हो तो आपको परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल मिलेगी. और सिमिलरली आईक्यू 7 लेजेंड में भी हमने ऑन कर दिया है. बाय डिफॉल्ट ये अल्ट्रा गेम मोड जो है ये ऑन होके आता है आईक्यू के स्मार्टफोन्स में. सैमसंग में एक परफॉर्मेंस मोड है प्रोसेसिंग स्पीड, तो ये भी हमने टर्न ऑन कर दिया जिससे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलने वाला है. BGMI के सेटिंग्स को भी हमने कांस्टेंट रखा है ताकि जब ये स्मार्टफोन्स लोड करे तो सेम सिमिलर ग्राफिक्स में ही लोड करे ताकि किसी में यू नो डिफरेंस ना आ जाए. तो मेनली हमने हाईएस्ट रखा है जो HDR एक्सट्रीम है और 60 FPS पे है, कलरफुल है और नीचे के ग्राफिक्स भी सिमिलर है तीनों ही स्मार्टफोन्स में. सो अब हम यहाँ पर स्पीड टेस्ट को देख सकते हैं कि कौन सबसे पहले BGMI ओपन करने वाला है. ये S22 8 Gen 1 888 IQ7 Legend and the flagship of all time now 8 Gen 3 IQ 12. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग कमेंट में डालना कि कितने सेकंड्स का गैप हो सकता है और कितना आगे रह सकता है ये स्मार्टफोन. सो लेट्स स्टार्ट. हम एक दोस्त को बुलाएंगे सो वो दबाएगा. सो 1, 2, 3 ओके. सो यू नो कौन पहले हो सकता है ओपन. ओके अगेन गाइस ऑब्वियसली ये था. ओके एक मिनट, 888 ने पहले शो किया है 8 Gen 1 से, तो क्या पहले लोड भी कर सकता है ये और क्या सैमसंग वाकई में डाउनग्रेड करता है चिपसेट को. फर्स्ट कम ऑन स्किप. आई थिंक इन दोनों का हमें फिर से करना चाहिए क्योंकि इसने वो गेम प्ले वीडियो प्ले कर दिया था जो नया लेटेस्ट मोड आया है. सो वी हैव टू डू इट अगेन. बट विनर गाइस कम ऑन ट्रेमेंडस गाइस, ये बहुत तेज है आपने देखा. तो लेट्स स्टार्ट इन दोनों का फिर से करते एक बार. सो गाइस क्या लगता है आपको कौन जीतेगा 888 और 8 Gen 1. सो लेट्स स्टार्ट अगेन और देखते हैं. इस बार चैंपियन ऊपर बैठा हुआ है आराम से अपने गेम प्ले एंजॉय कर रहा है वो. देखते हैं कौन पहले जीतता है और कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ये जो नया मूड आया है ये कैसा लग रहा है. आई फील कि पहले वाला ही काफी अच्छा था. ओके 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन 8 Gen 1 यू आर द फास्ट. ओके 8 Gen 1 जीत चुका है यहाँ पे बाय लाइक 2 or 3 seconds ऑफ मार्जिन और 888 हार चुका है. सो एज इट इज की 888 8 Gen 1 and 8 Gen 2 sorry 3 ये प्रॉपर ग्राफ मेंटेन किया है स्नैपड्रैगन वालों ने. काफी फास्ट चिपसेट है और या 888 काफी टाइम बाद भी स्टिल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. लाइक आपको अभी भी ये 90 FPS दे रहा है. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. सो नाउ गाइस वी विल स्टार्ट अ क्लासिक मैच. कि क्लासिक मैच में कितने सेकंड्स यू नो लोड लेता है और कौन पहले ओपन करता है क्लासिक मैच को. और हमने कोई भी इवेंट रखा नहीं है, ये एकदम क्लासिक सिंपल इरेंगल मैप है. सो वी विल कॉल माई फ्रेंड, मेरा हाथ मेरा दोस्त. चलो क्या आवाज था वो यार. ये बंदा कॉन्करर था इसलिए इसको लेट लगा शायद. मजाक कर रहा था गाइस, अभी अभी तो नया नया टीयर आया. सो सो सैमसंग पहले स्टार्ट हुआ था, दैट्स व्हाई वो फर्स्ट आया. सेकंड ये आया जबकि इसे आना चाहिए था, बट स्टिल ये आया. इट मींस कि ये अगर पहले स्टार्ट होता तो ऑब्वियसली पहला यही आता.
So guys, obviously the winner would be and should be the IQ 12. ये एक beast है performance के मामले में और gaming के लिए ही बना ये smartphone. Camera भी इसका काफी अच्छा है. वो next video में हम compare करेंगे with S22 कि कैसे ये optimized है अपने इन बड़े-बड़े lenses के साथ और ये बड़े-बड़े display के साथ. मतलब ये फोन एक्चुअली काफी बड़ा है. ये S22 आप देख सकते हो काफी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है. कितना छोटा दिख रहा है इसके सामने, पर क्या लाइक वाकई में वो छोटा फोन है इससे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे विद डिफरेंट कंपैरिजन. बट फॉर नाउ परफॉर्मेंस का क्राउन इसे जाता है क्योंकि गाइस कम ऑन, 8th Gen 3 गेमिंग स्मार्टफोन, लेजेंडरी ट्रैक डिजाइन और भी कई बहुत सारी चीजें इसके साथ मिलती है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मीनवाइल यू कैन वॉच अदर वीडियोस ऑफ माय. सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑब्वियसली होना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स. शाइनिंग ऑफ.